हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है रोबोट रेस्टोरेंट के बारे में, जो कि बेंगलोर में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वी नो ऑफ अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज इन बैंगलोर व्हिच आर थीम बेस्ड, where you can read and relax, where spas are integrated. But do you know of a restaurant where technology is integrated and you're served by robots? As soon as you enter this restaurant, you get a feel as if you're entering a sci-fi movie set or an alien spaceship. You get greeted by a robot who takes you to your designated seat. So you order your food using the tablet which is provided on the table. There's a wide variety of food to choose from, be it Indian, Thai or Chinese. The Thai and Chinese food is fusion food, which is customized to the Indian taste. The look and feel of this restaurant is very different from what we find in the other restaurants. All the robots have their own name also. The robots are self-controlled and they go on their designated paths. They automatically stop at your table when they're serving your order. You have to pick up the food from the tray that the robot is carrying, and there you have your food, served effortlessly by the charming robot. So my robot's name is Joey, and it's gotten yummy biryani for me. For the other side items, you also have a side rail which is used for a few other dishes. So much food! So we have ordered vegetarian Hakka noodles, Chiang Mai baby corn, butter prawn, honey chili chicken, chili prawn. The food is great, the ambience is different, which makes it a perfect go-to restaurant. So let me get a selfie with the robot that served me. Do book your table and come to the robot restaurant in Indranagar for the amazing experience that I had. So guys, hope you found the video very interesting. Do not forget to show lots of love, share, like, comment, subscribe. See you, ta-ra! तो आजकल हर चीज़ काफ़ी हाईटेक होती जा रही है, और सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही रह गए थे तो इस मामले में, और रेस्टोरेंट्स को भी अभी आप देख सकते हैं कि रोबोट्स वगैरह हर चीज़ डिलीवर वो कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो एक तरह से एक अच्छी अच्छा स्टेप भी है और ये होना भी चाहिए। जो इससे फायदा इसका बेनिफिट्स ये हैं कि मिसाल हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, इससे स्टूडेंट्स इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इनका रुझान बढ़ेगा। और मैं जिस तरह के रोबोट्स सर्व कर रहे थे, और ये कोई आसान बात नहीं है, इसे इस टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है, और इसे किसी रेस्टोरेंट में यूज़ करना और ये काफ़ी रिस्क भी है। लेकिन फिर भी इन्होंने इसे काम लिया और काफ़ी अच्छी तरह से वो लोग सर्व भी कर रहे थे। कोई वो नहीं था कि मिसाल किसी की मिसाल जो जिसने वो दिया हुआ था, ऑर्डर दिया हुआ था, वो किसी और को मिल रहा है। हर चीज़ अपनी तरीके से हो रही थी। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी वीडियो। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी मतलब हमने वीडियो में देखा कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, मतलब आप कंप्यूटर टैबलेट्स उधर रखे, उस पर आप ऑर्डर देते हो अपने
फूड के जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हो वो रोबोट आपके पास लेके आता है। तो यार ये एक एडवांसमेंट है, बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल एडवांसमेंट। बिकॉज जब आप देखते हो कि इतना ऑर्गेनाइज तरीके से रोबोट काम कर रहा है और अभी ये ह्यूमन एफर्ट को लेस कर रहा है, टाइम बचत कर रहा है, क्योंकि रोबोट्स आर मोर फास्टर देन ह्यूमंस एंड एक्यूरेट, मतलब इस तरह फिर ये एक टेक्नोलॉजी को भी मतलब जिस तरह फेवर हमें, चूँकि एक और वीडियो पे रिएक्शन दिया था जिसमें हमने उस देखा था कि जो बेंगलोर है वो इंडिया का एक टेक्नोलॉजी हब है, तो मतलब ये चीज़ उसी की एक पार्ट है कि हमें ये रेस्टोरेंट देखने को मिला कि इसमें रोबोट सर्व करते हैं। तो एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और जो रोबोट्स का लुक था वो मुझे बहुत पसंद आया। इंडिया की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने हर सिटी को उतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है जितनी वो किसी मेगा सिटी जैसे मुंबई और दिल्ली को दे रहा है। वो जिस तरह बेंगलुरु इस रिएक्शन से पहले या हमने जो रिएक्शन बेंगलोर पे दिए हैं उससे पहले हमें नहीं पता था कि बेंगलोर भी इतना एडवांस है, हमें इतना आइडिया नहीं था। और जिस तरह से उन्होंने उन रोबोट्स का डिज़ाइन बनाया, इट्स वेरी मॉडर्न, और टेस्ट करके और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल से बनाया जाता है। क्योंकि जब एक रोबोट को पब्लिक में छोड़ा जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे रिस्क होते हैं, और जिस तरह से पब्लिक उसको यूज़ कर रही है वो भी देखने में बहुत अच्छा है कि वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि उनमें इतना शऊर है कि वो लोग यानी कि इतने अच्छे से एक रोबोट को यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जिट के लिए आपने दबाना है और जब वो आएगा तो आपने ख़ुद चीज़ें उठानी हैं, वरना कुछ लोगों के साथ ये भी मसला होता है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना एडवांस आ रहा है दुनिया में भी और स्पेशली इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे 800 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जाके जल्दी से वो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दबा दें, बिल्कुल फ्री है, आप दबाएंगे हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।